चुनाव आयोग पर आपने गंभीर आरोप लगाए। आप कार्यकर्ता ने कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें ऐसी गाली दी जिसे वो बोल भी नहीं सकते। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पूछा, क्या चुनाव आयोग ने अपने दफ्तरों में भाजपा ट्रोल्स को भर्ती कर लिया है। आयोग के लिए पार्टी का गुस्सा उस वक्त फूटा जब हरियाणा से पार्टी के एक प्रत्याशी ने चुनाव कार्यक्रम के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी और बदले में आयोग ने बेहद आपत्तिजनक अपशब्द, जिसे यहां नहीं लिखा जा सकता, लिखकर कार्यक्रम की इजाजत देने से मना कर दिया। इसके बाद इस बारे में आम आदमी पार्टी हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखी। ढाना ने लिखा, क्या पूरे देश में चुनाव आयोग के दफ्तर बीजेपी के लोग चला रहे हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा में डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता के चुनाव कार्यक्रम की परमिशन मांगने पर चुनाव आयोग का दफ्तर गाली लिखकर रिजेक्ट करता है। आगे ढांडा ने लिखा, आतिशी को नोटिस 30 मिनट बाद मिलता है, बीजेपी वाले पहले खबर चला देते हैं। उनकी इसी पोस्ट को बाद में आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, शर्मनाक, क्या चुनाव आयोग ने अपने दफ्तरों में बीजेपी ट्रोल्स भर्ती कर लिए हैं। जब आप उम्मीदवार के कार्यक्रम के लिए इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगी तो चुनाव आयोग ने आप उम्मीदवार को लिखित में भद्दी गाली देते हुए कार्यक्रम की इजाजत देने से मना कर दिया। इलेक्शन कमीशन साफ साफ देश को बता दे कि उनकी जिम्मेदारी देश के सभी दलों के प्रति नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी की एक पॉलिटिकल विंग बनकर रह गई है। आपको बता दे, हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी द्वारा पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है और कैथल में इनकी सभा के लिए इनकी तरफ शुभम राणा नाम के कार्यकर्ता ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी, जिसके बदले में अश्लील गाली देते हुए जवाब दिया गया। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने कहा कि उनकी वेबसाइट हैक हो गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मामला सामने आने के बाद 5 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर कैथल SDM ब्रह्म प्रकाश ने मीडिया को बताया कि इस मामले में FIR दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। साइबर सेल इस बात की जाँच करेगा कि ये किस यूजर ID का इस्तेमाल करके आवेदन पर इस तरह की टिप्पणी की गई। जिस कर्मचारी के पास ये यूजर ID और पासवर्ड होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।